आपका बच्चा पेंसिल का इस्तेमाल करता होगा, पेंसिल के साथ साथ कटर का भी इस्तेमाल करता होगा। ऐसे में अब आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि पेंसिल की वजह से आपके बच्चे के साथ कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम पेंसिल और कटर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल, आपने कभी सोचा है कि पेंसिल का छिलका किसी की मौत की वजह बन सकता है? हैरानी हो रही है ना सुनकर, लेकिन ये सच है। पेंसिल के छिलके की वजह से यूपी के हमीरपुर में क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाली 6 साल की अर्तिका की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक पहाड़ी वीर गांव में रहने वाले नंद किशोर की बेटी अर्तिका अपने भाई बहन के साथ छत पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी और स्कूल का होमवर्क करने के दौरान ही अर्तिका कटर को मुंह में दबाकर पेंसिल को छीलने लगी। इसी दौरान पेंसिल का छिलका उसके मुंह में जाकर सांस की नली में फंस गया। इसके बाद ही अर्तिका जमीन पर गिर गई। वहीं परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। बच्ची जो आई है वो अर्तिका नाम की बच्ची है, उसके पिता का नाम नंद किशोर है और वो पहाड़ी वीर की रहने वाली है। बच्ची जो हमारे अस्पताल में आई वो मृत अवस्था में आई थी, उसके परिजन लेके आए थे और परिजनों ने बताया कि बच्ची जो है अपने भाई बहनों के साथ ऊपर छत पे पढ़ाई कर रही थी और पेंसिल छीलने के दौरान ये हादसा हुआ। पेंसिल और कटर जो है मुंह में चला गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों को ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, बल्कि छोटे बच्चों पर भी ज्यादा ध्यान देने की हम आपको सलाह देते हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके और आपके बच्चे के लिए काफी घातक हो सकती है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहें हमारे वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।